नमस्कार। हेल्दी इंडिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है जिसमें आप टेलीफोन करके किसी भी बीमारी या किसी भी शरीर के ऐसी परेशानी से जुड़े हुए जो सवाल आपके पास होते हैं वो पूछ सकते हैं सीधे हमारे पैनलिस्ट से। फोन इन प्रोग्राम है इसलिए इसमें एक खास फोन नंबर है जिसपे फोन करके आप अपने सवाल सीधे हमारे स्टूडियो में पहुंचा सकते हैं। ये फोन नंबर क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल आपको बस इतना बता दें कि आज के एपिसोड में हम बातचीत करने जा रहे हैं हर्निया के बारे में। एक ऐसा शब्द जो आप बार बार सुनते रहते हैं, एक ऐसी परेशानी जो लोगों को आमतौर पर सर्जन के पास ले जाती रहती है। हर्निया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किसे होता है, इससे बचने का क्या तरीका है और इसका इलाज क्या है, अगर इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके पास हैं तो अब से थोड़ी देर बाद हमारा टेलीफोन नंबर नोट कीजिएगा और फोन करके अपने सवाल पहुंचाइएगा सीधे हमारे स्टूडियो में और हमारे पैनलिस्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। पिछले सप्ताह में हमारे पास बेइंतहा ईमेल्स आई हैं हर्निया के बारे में, उन्हीं को कंपाइल करके हमने अपने लिए क्वेश्चनेयर भी तैयार किया है जिसमें आप ही के सवाल होंगे और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ एक ऑडियंस तो है ही जो अपने सवाल पूछेगी। लेकिन सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं उन पैनलिस्ट से, उन एक्सपर्ट से जो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल। Dr. K.K. Agrawal is a senior consultant at Delhi's Moolchand Hospital. He is President, Heart Care Foundation of India and President-elect Delhi Medical Association. Good morning and welcome to the show. Unke saath baithe hain Dr. A.K. Kripalani. Dr. A.K. Kripalani is Advanced Laparoscopic and Gastrointestinal Surgeon at Delhi's Apollo Hospital. Good morning, Dr. Kripalani. Good morning. And welcome to the show. Aur unke saath hain Dr. Pradeep Chowbey. Pichle show mein bhi humare saath the. He is Chairman, Department of Minimal Access Surgery, Sir Gangaram Hospital, Delhi. Aur iske alawa ye President hain Asia Pacific Hernia Society ke. Good morning, Dr. Chowbey. Good morning. And welcome to the show. और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं काफी सारे दर्शक, आप ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, ये भी अपने सवालों को लेकर आए हैं और इनके सवाल हमारे पास आराम से पहुंच सके इसके लिए इनके साथ बैठी हैं नवप्रीत जो सवालों को हमारे पास पहुंचाने में मदद करेंगी। और अब आपको बता देते हैं अपना वो टेलीफोन नंबर जिसपे फोन करके आप अपने सवाल सीधे हमारे स्टूडियो में पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑल इंडिया टोल फ्री टेलीफोन नंबर है 1600119662 या फिर हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए india@dd.nic.in जिसपे आप कार्यक्रम के दौरान भी ईमेल कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि एक या दो ईमेल्स को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज हम बातचीत करने जा रहे हैं हर्निया के बारे में, इसलिए टेलीफोन कीजिए अगर आपके पास हर्निया से जुड़े हुए सवाल हो। और फोन करने से पहले अगर आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एक कागज पर नोट कर लें, अपने घर में चलते हुए टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो कर दें और टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। टेलीफोन करना शुरू कीजिए अब से लगभग 10 मिनट के बाद जब हम थोड़ी सी बातचीत कर चुके हों। फिलहाल इससे पहले कि हम हर्निया के बारे में बातचीत शुरू करें, हमारे पास दो खत आए हैं, उन्हें भी डिस्कस करना चाहेंगे डॉक्टर अग्रवाल के साथ क्योंकि हमारे कुछ पुराने एपिसोड से जुड़े हुए खत हैं। एक खत हमें भेजा है स्मिता जी ने और ये जानना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि पेप्टिक अल्सर वाला जो हमारा प्रोग्राम था इन्होंने पूरा नहीं देखा। दो चीजें इन्होंने स्पेसिफिक पूछी है कि 38 वर्ष के करीब उम्र है और आमतौर पर गैस की तकलीफ होती है और अनइजी फील करते रहते हैं और दूसरा ये कहते हैं कि सिर में बालों में बहुत तपिश सी महसूस होती है, ये इन्होंने लिखा है। तो क्या ये पेप्टिक अल्सर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं? दैट्स व्हाट यू वांट्स टू नो। गैस एंड अल्सर्स के दो अलग अलग चीजें हैं। गैस का नॉर्मली हम इसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं कि पेट में गैस बन गई या इरेक्टेशंस आ गए या नीचे से ज्यादा गैस बन रही है, और एसिडिटी एक अलग चीज है जहाँ पे आपके हार्ट बर्न हो जाता है, आपका जो है एसिड जो है वो इसोफेगस में आ जाता है एंड यू फील लाइक एसिडिटी। अब दे मे बी रिलेटेड टू ईच अदर, दे मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, एलोपैथी डजंट डिफरेंशिएट देम वेरी क्लियरली कि एक गैस है और एक एसिड है। आयुर्वेद इसको बिल्कुल ही अलग से बात करता है, वो कहते हैं गैस इज मोर ऑफ ए वात डिसऑर्डर एंड एसिडिटी इज मोर ऑफ ए पित्त डिसऑर्डर, कि गैस जो होगी वो पतले लोगों में होती है और जो मीडियम बिल्ड के अंदर होती है उनको एसिडिटी होती है। इनके केस में जैसे कह रहे हैं कि मेरे को एक गैस बनती है, सो गैस के बारे में दे हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल कि ओबेसिटी तो नहीं है, उसमें गैस ज्यादा बनती है जी। नाउ गैस एंड एसिडिटी के अंदर में सिर्फ आयुर्वेद डिफरेंशिएट करता है डाइट के ऊपर। बिटर एस्ट्रिंजेंट पंजेंट जो डाइट होती है वो गैस ज्यादा पैदा करती है और पंजेंट सार एंड सॉल्ट, पंजेंट मतलब हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, सार मतलब खट्टा या फर्मेंटेड नमक या नमकीन चीजें, ये जो है एसिड ज्यादा बनाती है। सो आयुर्वेद का अगर आप डिस्क्रिप्शन लेते हो तो वो डाइट का मॉडिफिकेशन इसमें आता है जी। एलोपैथी के अंदर में वी ट्रीट देम एज ए कॉमन डिसऑर्डर एंड वी गिव देम ए ड्रग, कि ज्यादातर टाइम पे एलोपैथी में अगर गैस ठीक नहीं होती तो हम कहते हैं कि ठीक है कोर्स लेके देख लो कि एसिडिटी के कारण से ना हो रहा, दैट्स व्हाट इट इज।
जहां तक इनका सवाल है कि बालों में तप वगैरह आता है, उसके से कोई ताल्लुक नहीं, कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। तो स्मिता जी, आपको अपने डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा और उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन जहां तक जो दो तीन चीजें आपने अपने खत में पूछी थी उनका जवाब देने की हमने कोशिश करी। अब हम अपनी आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें, हर्निया के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। एक ऐसा शब्द जो बार बार सुनने को मिलता रहता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, क्यों होता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चौबे, सबसे पहली चीज मैं आपसे बिल्कुल बेसिक चीज जानना चाहूंगा, हर्निया होता क्या है? हर्निया एक्चुअली एब्डोमिनल वॉल की मसल्स की वीकनेस होती है, और उसके इसको प्रोट्रूशन जो होता है उसके इंटेस्टाइन्स और जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उस छोटे से छेद से या थोड़े से बड़े से छेद में जो इसमें की मसल वीक है उससे बॉडी से बाहर प्रोट्रूड करते हैं जी, और वो इट इज जस्ट कवर्ड बाय द स्किन। मसल्स वगैरह उस एरिया में वीक होती है, इसलिए बहुत थिंड आउट होती है, या मसल उस एरिया में ना भी हो सकती है जैसे इंसिजनल हर्निया में होता है। बहुत किस्म के हर्निया होते हैं, बट बेसिकली हर्निया इज अ प्रोट्रूजन, बाहर निकलना ऑफ एब्डोमिनल विसरा। अच्छा, मैं इसे अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अपने लिए समझना चाहूँ, हमारे एब्डोमिन की जो वॉल है उसमें सबसे बाहर स्किन है और उसके अंदर मसल्स हैं। जी, स्किन है सबसे बाहर, उसके नीचे थोड़ा सा फैट है, और उसके नीचे तीन लेयर्स है मसल, तीन लेयर्स मसल्स की। वो मसल्स की जो लेयर है या तो वो कमजोर हो जाती हैं जी, या वो कट जाती हैं, जैसे अगर कोई इंसिजन दिया गया है और उसको रिपेयर किया गया है बाद में किसी और एब्डोमिनल ऑपरेशन के कारण, जैसा सिजेरियन है या हिस्टेक्टमी है या कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जी उसके कारण, तो उस एरिया की मसल जब हम स्टिच करते हैं तो हो सकता है वो मसल उस एरिया में वीक हो जाए, और वीक होने के कारण वो एरिया गिव वे कर दे, मतलब उस जगह पे सिर्फ स्किन और फैट रह जाए और मसल्स ना रहे जी, तो एक ऐसा छोटा सा बल्ज उसमें उस एरिया में आ जाता है जिसको कि जिसमें इंटेस्टाइन्स होते हैं, ओमेंटम होते हैं, और वेरियस एब्डोमिनल ऑर्गन्स आ सकते हैं। आपने जब वायसरा शब्द का जो आपने प्रयोग किया उसका मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अंदर जो जो भी ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंटेस्टाइन्स कॉमनिस्ट है, सबसे बड़ा जो अमाउंट होता है वो इंटेस्टाइन्स का होता है, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है, तो स्किन में बल्ज जैसा दिखाई देगा, स्किन में कुछ बाहर को उभार दिखाई देगा। डॉक्टर अग्रवाल, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जैसे टायर है और टायर के अंदर में ट्यूब होती है, तो ट्यूब जो टायर की जो ट्यूब है उसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है जी, ऐसे ही इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन हमारा ट्यूब समझ लीजिए, इंटेस्टाइन को चारों तरफ जो कवरिंग है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो टायर समझ लीजिए जी। अगर टायर ऊपर से वीक हो जाए और जैसे ही इंटेस्टाइन में आप ट्यूब में हवा भरोगे तो वो निकल के टायर में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। डॉक्टर कृपाणी, ये बताइए कि एक और शब्द इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर चौबे ने भी प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि एब्डोमिनल कैविटी, क्या हर्निया सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं या कहीं और भी हो सकते हैं? मोस्टली हर्निया एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, लेकिन बाहर निकलने के अलावा कुछ ऐसे हर्निया भी होते हैं जो अंदर ही अंदर बढ़ते जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका है हायटस हर्निया जी, जिसमें हमारे पेट और चेस्ट के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, एक पतली सी झिल्ली होती है जो पेट और चेस्ट के ऑर्गन्स को एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होने देती जी, क्योंकि अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है कि एब्डोमेन के इंटेस्टाइन्स एब्डोमेन में ही रहें और चेस्ट में न जाएं जी। लेकिन कभी कभी ये जो पैसेज है, जैसे हमारे खाने की ट्यूब डायफ्राम में एक होल के जरिए से एब्डोमेन में आती है, उस होल के अराउंड अगर वीकनेस हो किसी भी वजह से, तो हमारा जो अमाशय है, स्टमक है, वो एब्डोमेन से निकल के चेस्ट में जाने लगता है, और इसे हम हायटस हर्निया कहते हैं। इस केस में हमें बाहर कोई बल्ज नहीं महसूस होगा। बिल्कुल, आप विवेक जी ठीक कह रहे हैं, इसमें बाहर कोई बल्ज नहीं मिलेगा जी, लेकिन अंदर ही अंदर हम पाएंगे कि वो जो स्टमक है वो डिस्प्लेस होके चेस्ट में चला गया है। तो समराइज, हर्निया या तो पेट का कोई भी कंटेंट बाहर की तरफ आ जाए या अपनी जगह से डिस्प्लेस होके अंदर ही अंदर किसी और जगह पे पहुंच जाए तो उसे हर्निया कहा जाएगा। अच्छा, और ये कई कई पोटेंशियल एरियाज होते हैं वीकनेस के, जैसे एक हर्निया नाभि हमारे जो है जिससे हम अपने मदर से जुड़े होते हैं, वो एक वीक स्पॉट है, और किसी भी वीक स्पॉट में कभी एज बढ़ने के साथ या किसी भी वजह से वो वीक स्पॉट जब ओपन हो जाए तो इंटेस्टाइन उसे प्रोट्रूड करने लगेंगी। दिस इज अनदर कॉमन हर्निया है, बिसाइड्स एक इंग्वाइनल हर्निया जो सबसे कॉमन होता है, एक इंसिजनल हर्निया जो किसी भी ऑपरेशन के बाद हो सकता है, और एक अम्बिलिकल। अब आपने ये दो तीन अलग अलग नाम दे दिए, मैं चाहूंगा कि एक बार हम बिल्कुल सही तरीके से अगर चलें तो कितनी किस्म का हर्निया होता है, क्या क्या कैटेगरीज आप उसकी बनाते हैं? देखिए, एक होता है एक्सटर्नल हर्निया जो हम बाहर देख रहे हैं, दूसरा होता है इंटरनल हर्निया जिसका आपने अभी एग्जांपल दिया, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। एक्सटर्नल हर्निया में सबसे कॉमन है इंग्वाइनल हर्निया जो मेल्स के एब्डोमेन में नीचे की साइड में होता है जी, और ये मेल्स को ऑपरेशन होने का ये सबसे कॉमन कॉज है। एडल्ट मेल में ये सबसे कॉमन बीमारी है जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है इंग्वाइनल हर्निया, और काफी बार ये दोनों तरफ भी हो सकता है।
उसके बाद सेकेंड नेचुरल हर्निया आता है अम्बिलिकल हर्निया, जो मैंने जिक्र किया कि नाभि जो है वो एक वीक एरिया है, वहां से अगर बल्ज होना शुरू हो जाए तो वो कहलाता है अम्बिलिकल हर्निया। उसके अलावा हमारे साइड्स में हर्निया हो सकते हैं, कुछ वीक स्पॉट्स हैं जो अनकॉमन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज लंबर हर्नियास। इसके अलावा पेट में अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ हो तो सर्जन जब पेट की मसल्स को काट के उसे आपस में जोड़ता है और अगर वो टांके अंदर के टूट जाएं या किसी वजह से एज बढ़ने के साथ या फैट की वजह से उनमें गैप आ जाए तो उसे कहा जाता है इंसीजनल हर्निया। कोई भी इंसीजन हर्निया के लिए प्रोन होता है और ये माना जाता है कि किसी भी इंसीजन के बाद करीब 5-8% लोगों को ये इंसीजनल हर्निया हो सकता है। इसके अलावा इंटरनल हर्निया जो मैंने जिक्र किया, हाइटस हर्निया, उसके अलावा बहुत सारे रेयर लोकेशंस होते हैं एब्डोमेन में जहां हर्निएशन हो सकते हैं। लेकिन जब हम कॉमन हर्नियाज की बात करते हैं तो तीन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि इंग्वाइनल हर्निया जो कि टांगों के जोड़ में हो रहा है, अम्बिलिकल जो कि नाभि पे हो रहा है, और तीसरा आपने कहा कि इंसिजनल हर्निया की जहां भी कहीं ऑपरेशन की साइट है वहां हर्निया होने की। इसके अलावा एक और तरह का हर्निया होता है जिसे हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं, जो हमारे पेट में नाभि के ऊपर के हिस्से में होता है जी। क्योंकि इस एरिया में काफी फैट होता है और कभी अगर यहाँ की मसल्स, ये मिड लाइन में होता है, सेंटर में होता है, अगर उसमें कोई होल हो जाए तो वो फैट और बाद में इंटेस्टिनल कंटेंट भी उससे प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। तो इस तरह चार कॉमन तरह के हर्निया पेट में होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कदम पीछे चलेंगे। आप लोगों ने एक सिंपल सी बात बताई कि वो मसल में कहीं भी रप्चर हुआ और उसकी वजह से ये जो हमारे एब्डोमिन के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, खासतौर से इंटेस्टाइन, वो वहां से प्रोट्रूड करने लगी। अब ये होता क्यों है, क्या वजह है कि जो वो मस्कुलेचर है हमारा उस एरिया का वो वीक होता है और रप्चर कर जाता है? देखिए, मस्कुलेचर वीक तो एक तो पैदाइशी तरीके से होता है, ये कुछ ऐसे नेचुरल बॉडी के स्पॉट्स होते हैं जो कि वीक होते हैं, जैसे इंग्वाइनल हर्निया जो मेल्स में बहुत कॉमन हर्निया माना जाता है जी। ये एरिया वीक इसलिए होता है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं मेल्स के, वो ग्रो एब्डोमेन के अंदर जनरेट होते हैं, वहीं पैदा होते हैं, वहीं रहते हैं जी। और उसके बाद में वो डिसेंड करते हैं एब्डोमेन के बाहर थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द स्क्रॉटम। ओके, नाउ उनका जो पाथवे है, नेचुरली दैट पाथवे इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द अदर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, इसलिए वो एक वीक स्पॉट होता है जी। इसलिए ये हर्निया काफी कॉमन माना जाता है और ये चाइल्ड बर्थ के साथ में हर्निया हो सकता है या किसी भी आगे की एज में, टिल द ओल्ड एज किसी वक्त भी इस एरिया से हर्निया हो सकता है। अच्छा, वैसे एक दूसरा इम्पोर्टेंट स्पॉट है अम्बिलिकस, नाभि जी, क्योंकि वहां पे भी स्कार टिश्यू होता है और वहां पे मस्कुलेचर बहुत पुअर होता है और वो भी एक नेचुरल स्पॉट है जो कि हर्निया के लिए बहुत कॉमन तरीके से देखा जाता है। अच्छा, आमतौर पे हम जब भी किसी बीमारी की बात करते हैं तो ये होता है कि ये फला लोग जो हैं इसमें हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्या हर्निया के लिए हम ऐसा बता सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, पीपल हु आर मोर प्रोन टू गेटिंग? ये हमेशा तो ये सच्चाई नहीं होती जी, बट कुछ ऐसे लोग जो कि जो अपना इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा रेज हो जाता है किसी कारण से, या तो क्रॉनिक कफ हो जो हमेशा एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है, या कॉन्स्टिपेशन हो, या कोई ऐसी यूरिनरी सिम्टम्स हो जिसमें कि पेशेंट्स हमेशा बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर को ज्यादा रेज करते हैं, उन लोगों में हर्निया ये बनिस्पत दूसरों के ज्यादा देखा जाता है। दूसरा, कुछ ऐसे एक्सीडेंटल सिचुएशंस होती हैं जहां पे इंजुरीज होती हैं, ट्रॉमा होती है एब्डोमिनल वॉल पे जो मसल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वीक कर देती हैं, रप्चर हो जाती है, वो एक ऐसे दे आर मोर एक्सपोज्ड टू दैट। जरूरत से ज्यादा खाना खाने से कोई रिलेशनशिप इसका नहीं? खाना खाने से ऐसा कोई रिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं, बट ये जरूर है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और जनरलाइज्ड मसल वीकनेस है, इनफैक्ट अगर पेशेंट कोई अपना कोई भी किसी तरह से एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, नेचुरली उनकी एब्डोमिनल वॉल की मसल्स बहुत लैक्स होती हैं, और ओबेसिटी ओबेसिटी अपने आप में एक हर्निया के लिए प्रोड्यूस प्रीडिस्पोज करती है पेशेंट्स को, क्योंकि ओबेसिटी होने से एब्डोमेन के अंदर काफी फैट रहता है, मसल्स वीक रहती हैं, थिंड आउट रहती हैं, स्ट्रेच्ड रहती हैं, इसके कारण हर्निया होने के चांस। डॉक्टर अग्रवाल, जो डॉक्टर चौबे ने अभी जिक्र किया, क्या कहीं हम हर्निया को लाइफस्टाइल से जोड़ सकते हैं, क्या कोई सीधा रिलेशनशिप? लाइफस्टाइल से हर्निया नहीं होता, बट अगर आपकी मसल्स वीक हैं, मान लीजिए आपको हर्निया की टेंडेंसीज हैं, उसके बाद में अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है जी, तो यू कैन प्रेसिपिटेट, इट कैन वर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके हर्निया है और आपको कॉन्स्टिपेशन है और बार बार स्ट्रेन करते हो जी, एनीथिंग जो कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज करेगा वो हर्निया को बढ़ाएगा जी।
इट मे नॉट कॉज इट, इट मे कॉज इट इन सम सिचुएशंस, अगर वो मसल्स वीक हैं तो, बट इट वर्सन इट. अगर है तो उसके ज्यादा खराब होने की पॉसिबिलिटी. ओबेसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जी, व्हाई ओबेसिटी इज कमिंग इज बिकॉज ओबेसिटी नाउ हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिजीज. ओबेसिटी इज ट्रीटेबल, इट इज मैनेजेबल, इट इज रिग्रेसिबल. और अगर आप ओबेसिटी इज ए ओबेसिटी में, एक तो आपका मोमेंटम बढ़ गया, फैट बढ़ गया जी, तो वो फैट निकल आएगा बाहर. अगर आप इंटेस्टाइन नहीं निकलेगा तो फैट निकल आएगा, वो भी जाके ट्रैप हो सकता है जी. सो ओबेसिटी इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. ऑन द प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर भी कई बार हर्नियास बढ़ सकते हैं बट दे यूजुअली रिकवर. बचपन में पैदा होते हुए भी कई बार हर्निया स्पेसिफिकली अप्लाई कराता है बट देयर दे कैन रिकवर. लेकिन ओबेसिटी इज समथिंग विच इज विच एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ इट. व्हाई वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू ओबेसिटी इज क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारी कंट्री में ओबेसिटी का एपिडेमिक चल रहा है. 70% लोगों को या तो ओवरवेट है या ओबेसिटी है जी. तो ओबेसिटी का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी. अच्छा, इस बात के शुरू में आपने जिक्र किया कि अगर टेंडेंसी है तो ओबेसिटी आपके लिए रिस्की हो सकती है. टेंडेंसी का मतलब यही है कि जैसे एडवांस एज बोला जी. किसी को इंसीजनल हर्निया, किसी का पहले सर्जरी हो चुकी है, मान लीजिए किसी की सर्जरी हो चुकी है, हमें मालूम है कि वो हाई रिस्क कैंडिडेट है जी. कि इसके 7-8% चांसेस हैं कि इसको हम इंसिजनल हर्निया हो सकता है. तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आप बार बार ऐसी एक्सरसाइजेस करोगे, आज हम आपको योगा भी दिखाने वाले हैं कि कौन से योगा ना करें, कौन सी एक्सरसाइज ना करें. अगर आप कोई भी ऐसी चीज करते हो जिसमें इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर होता है, मान लीजिए आपको अस्थमा है और अस्थमा का इलाज नहीं करा रहे, एन अस्थमा प्रेजेंट्स एज आइदर ब्रेथलेसनेस और कफ. अगर आप बार बार खांसी करते रहोगे और खासकर खांसी भी हो और कॉन्स्टिपेशन भी हो, प्रेशर आपका बढ़ता रहेगा, इंटेस्टाइन गिव करने की कोशिश करेगा. दो तीन मोटी मोटी बातें जो मुझे समझ में आई कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर यानी पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हर्निया होने की पॉसिबिलिटी है. जिसमें दो तीन बड़ी बड़ी बातें जो आपने बताई वो एक ये कि अगर खांसी किसी को लगातार रहती है उसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन लगातार रहती है उसकी वजह से, अगर पेशाब करने में तकलीफ होती है, जोर लगाना पड़ता है उसकी वजह से, और इसके अलावा जो आपने जिक्र किया एक्सरसाइजेस के बारे में आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा. लेकिन उससे पहले इस समय हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है दिल्ली से, इनका सवाल सुनते हैं और अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे. हेलो मधु जी, नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर साहब. मधु जी, आपके घर में अभी टेलीविजन का वॉल्यूम बहुत हाई है, जीरो कर दीजिए जी. अब बताइए. मेरा ये सवाल है डॉक्टर कि मेरा ना ऑस्टियोपैथी क्वालिटी की प्रॉब्लम थी. 95 में मेरा ऑपरेशन हुआ मंथ हॉस्पिटल में जी. उसके बाद मेरे लेफ्ट साइड में ना हर्निया बन चुका है. तो मेरे डॉक्टर जो आदर्श चौधरी थे उन्होंने मेरे को चेकअप करने के बाद ये कहा है जी कि मैं आपका ऑपरेशन नहीं करूंगा, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि हम लेना नहीं चाहते जी. और मेरी एज भी इस समय 46 है. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मेरे को हर्निया की प्रॉब्लम है जी, वो होम्योपैथिक या एलोपैथिक किसी भी मतलब उसमें ठीक हो सकती है. ठीक है मधु जी, टेलीफोन करने के लिए शुक्रिया. आपका सवाल हमें समझ आ गया. अगर इजाजत दें तो इसका जवाब थोड़ी देर के बाद देंगे जब हम इंसिजनल हर्निया के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत करेंगे. हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, आपको थोड़ी देर बाद अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा. डॉक्टर कृपलानी, अभी डॉक्टर अग्रवाल ने जिक्र किया, दो तीन बातें हमें समझ में आई, खांसी होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से, पेशाब करने के लिए अगर ज्यादा जोर लगाना पड़े उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है हर्निया होने की. इसके अलावा चौथा जिक्र किया एक्सरसाइज का. क्या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो हर्निया होने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर्निया बेसिकली एब्डोमिन के वीक स्पॉट्स में होता है जी. अगर हम लोग ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे या तो मसल्स में कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है, मसल रप्चर हो सकती है, या हम अपने बाकी मसल्स को ज्यादा स्ट्रांग करें और वो वीक स्पॉट और वीक होता जाए रिलेटिवली, तो ऐसी एक्सरसाइजेस जो एब्डोमिनल मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं, तो वो मसल्स तो स्ट्रांग हो जाती है लेकिन वो वीक एरिया जहां मसल है वो स्ट्रांग नहीं होता. इसके कुछ हम सिंपल एग्जांपल्स दे सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो एब्डोमिनल वॉल पे ज्यादा प्रेशर डालती हैं? जिसमें जैसे हम पैर सीधा करके अपने लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, नीज को स्ट्रेट करके ऊपर उठाने की, इसमें हम अपनी जो फ्लैट मसल्स हैं एब्डोमिन की उन पे स्ट्रेन डाल रहे हैं. वो मसल्स तो स्ट्रांग होती चली जाती हैं लेकिन जो हमारा वीक एरिया है हर्निया का एरिया जिसको जहां से फेशिया ट्रांसवर्सलिस होता है, मसल नहीं होती, वो स्ट्रांग नहीं होता. और ऐसी एक्सरसाइजेस करने में हर्निया होने की चांसेस ज्यादा होती. अच्छा, अब आपसे मैं 4-5 बहुत स्पेसिफिकली पूछूंगा. क्या वॉकिंग करने की वजह से कोई पॉसिबिलिटी इंक्रीज? वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है. स्लो वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग कभी भी हर्निया नहीं प्रोड्यूस करती. क्या जॉगिंग करने की वजह से हर्निया? जॉगिंग में भी हम लोग मोस्टली अपनी थाई मसल्स को और हैमस्ट्रिंग्स को यूज करते हैं, उससे भी हमें हर्निया होने की कोई गुंजाइश नहीं. साइकिलिंग करने की वजह से? साइकिलिंग में भी हम लोग मोस्टली अपने लोअर लिम्ब की मसल्स को यूज करते हैं जी. तो वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज. स्विमिंग?
स्विमिंग में हम लोग फिर अपने हाथ और पैरों को यूज करते हैं, हम लोग बेसिकली कंसर्न है अपनी ट्रंक मसल्स से। अगर सिटअप्स करते हैं कुछ लोग तो सिटअप्स में पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया में ज्यादा प्रेशर होता है? हो सकता है। और वेट लिफ्टिंग के लिए डॉक्टर साहब लोग बहुत कॉमनली कहते हैं, खासतौर से यंगस्टर्स कई दफा वेट लिफ्टिंग करनी शुरू करते हैं तो कहते हैं कि सपोर्टर पहन लिए जाए तो हर्निया होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्या ये फैक्ट है? वेट लिफ्टिंग एक ऐसी एक्सरसाइजेस है जो वाकई हर्निया प्रोड्यूस कर सकता है। वेट लिफ्टिंग कर सकता है। तो इसमें हम लोग अपने न सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं बट यू नो वी पुट अ सडन जर्की मूवमेंट। आप सडनली जब अपना वेट को वो जो वेट लिफ्ट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस सडन स्ट्रेनस मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। और काफी बार जब आप एक सडन सीवियर मूवमेंट करते हैं तो एक जो वीक स्पॉट है इट रप्चर्स, लाइक किसी कमजोर कागज को आप पकड़ के खींचेंगे या कमजोर कपड़े को खींचेंगे तो वो होल बढ़ जाएगा। तो वेट लिफ्टिंग डेफिनेटली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर्निया प्रोड्यूस कर सकती है। अब जो इसका दूसरा पहलू है कि बहुत दफा लोग ये कहते हैं कि अगर वेट लिफ्टिंग करनी है तो टाइट सपोर्टर्स पहन लिए जाएं पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इज इट अ फैक्ट और ओनली अ मिथ? मैं सोचता हूं इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। एक्सटर्नली अगर आप कुछ भी पहन लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज़ द डैमेज एक्टिविटी जो है वो अंदर से होगी। जी डॉक्टर चौबे, इसमें कुछ लाइफस्टाइल के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि स्मोकिंग एक ऐसी चीज है हमारे लाइफस्टाइल में जो न सिर्फ कफ करती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती है, मगर साथ साथ ये पाया गया है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें मसल्स वीक हो जाती है, क्योंकि हमारे मसल्स की हेल्दी रहने के लिए जो हाइड्रोक्सी प्रोटीन की जरूरत है वो कंटेंट कम हो जाता है। तो स्मोकिंग दोनों तरह से डैमेज करती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती है और हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको कम करती है। तो ये हर्निया प्रिवेंशन के लिए एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। डॉक्टर चौबे, विवेक जी, आई थिंक एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइजेज है ये हर आदमी को एक सुपरविजन में करना चाहिए, एक ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो वेट लिफ्टिंग में जो होती है वो वेट ज्यादा से ज्यादा उठाने की जो कोशिश की जाती है वो एक फैक्टर है जिसके कारण की हर्निया होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि जब भी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके पहले आप एब्डोमिनल वॉल की एक्सरसाइज ना करें। एब्डोमिनल वॉल की एक्सरसाइज हर जिमनास्टिक उसमें और हर एक्सरसाइज में सबसे लास्ट जो एक्सरसाइज होती है वो एब्डोमिनल वॉल की एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सबसे पहले एब्डोमिनल वॉल की एक्सरसाइज कर ली और एब्डोमिनल वॉल फटीग हो गई उसके बाद आपने वेट लिफ्टिंग किया तो आई मीन इट्स द पॉसिबिलिटीज मोर और हर्निया बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। एक यहाँ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई वेट लिफ्टर का करियर परस्यू कर रहा है, उसे प्रोफेशनली वेट लिफ्टिंग करनी है, तो क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे हर्निया होने की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाए? नहीं, मेरे अगर वो तो कर रहा है तो सबसे पहली बात तो है कि वो डेफिनेटली अंडर सुपरविजन कर रहा होगा जी, और अपने वेट को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है कि धीरे धीरे आप ग्रेजुअली बढ़ाएं और इंस्ट्रक्टर्स के सुपरविजन में करें, और जो प्रेस होता है और स्नैच होता है इस टाइप की चीजें को लेटर पार्ट ऑफ कैरियर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए जब तक कि आपकी मसल्स स्ट्रांग हो चुकी है। इस बातचीत पे वापस लौटेंगे। इस समय महेंद्र कुमार जी का टेलीफोन है अंबाला से, इनकी बात सुनते हैं। हेलो महेंद्र जी, नमस्कार। जी ऐसा ही के मेरे जो अंडकोश है कभी ठोस हो जाते हैं कभी नरम हो जाते हैं और वो जो लिंगन वो उसमें सारा आ जाता है, वो मोटापन हो जाता है उसमें जी। ये क्यों ऐसा क्यों? और ऑपरेशन मैं करा रहा हूँ, चाहता ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता जानना चाहते हैं। महेंद्र जी टेलीफोन करने के लिए शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर कृपलानी। देखिए अंडकोश का बीच बीच में हार्ड हो जाना और सॉफ्ट हो जाना हर्निया हो सकता है, क्योंकि जब इंटेस्टाइन्स डिसेंड करती हैं और छोटी जगह पे ज्यादा कंटेंट भर जाते हैं तो वो आपको ठोस महसूस होगा, फिर जब आप लेटते हैं और वो इंटेस्टाइन्स वापस अंदर चली जाती हैं तो वो अंडकोश फिर आपको सॉफ्ट महसूस होगा। इसके लिए जरूरत है, इसके और भी वजह हो सकती है जी। इसलिए इसके लिए जरूरत है कि आप अपने आसपास किसी डॉक्टर को दिखाइए। और दूसरी बात महेंद्र जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस तरह अपनी अपना धारणा न बना लें कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। बीमारी का जो इलाज है वो आपकी बेहतरी के लिए है, बीमारी का इलाज आपकी तकलीफ दूर करने के लिए है, और आजकल हर्निया की सर्जरी इतनी सिंपल, इतनी इफेक्टिव और इतनी पेनलेस हो गई है कि आप इस तरह की धारणाएं मन में निकाल लीजिए, और अगर बीमारी है तो उसे बढ़ाइए ना, उसे अर्ली स्टेज में ही उसका इलाज करवा लीजिए। महेंद्र जी, सर्जरी के अलावा कोई और इलाज है या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगा जब हम इलाज के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल इस बात में कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं बातचीत कर रहा था बेसिकली एक्सरसाइज के बारे में, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था कि जो हम एक्सरसाइजेस दो प्रकार की होती है, मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक्सरसाइज है जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग,
ये एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती हैं, इसमें ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और नीचे का ब्लड प्रेशर कम होता है, तो सिस्टोलिक गोज अप एंड द डायस्टोलिक गोज डाउन, दैट्स अ नॉर्मल एक्सरसाइज जो हम करते हैं. जितनी भी एक्सरसाइजेस अगेंस्ट रेजिस्टेंस हैं, जैसे पुशअप्स है, जैसे स्क्वैश खेल रहे हो, जैसे आप जो है वजन उठा रहे हो और आप उठक बैठक लगा रहे हो, इसके अंदर में ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और नीचे का ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है अगर आप एक्सटर्म्ड नहीं हो एक्सरसाइज के लिए. तो जो लोग हैं, जो पहलवान हैं, जो हमेशा पुशअप्स करते हैं, धीरे 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 बॉडी उसको एक्लिमेटाइज कर लेती है. बट जो आदमी को आदत नहीं है वो एकदम से चालू करता है. जैसे आजकल क्या पिक्चरों में शौक है, पिक्चरों में देखते हैं कि जी एक पर्टिकुलर हीरो जो है वो अपने कपड़े उतार के जो है पुशअप्स कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और सारे उस उम्र के लोग जो है चालू कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना मेडिकल सुपरविजन के. सो अगर वो चालू कर देते हैं उसके अंदर में और सडनली छोड़ देते हैं, लोगों के मन में शौक क्या आता है कि 6 महीने के लिए करो फिर छोड़ दो. तो ये वाली जो एक्सरसाइजेज है यू कैन नॉट स्टार्ट एनी टाइम यू वांट एंड यू कैन नॉट स्टॉप एनी टाइम यू वांट. ओके, इसमें हर्निया के अलावा यू कैन एंड अप इनटू ए ह्यूज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आल्सो. ओके, मतलब सडन डेथ हो सकती है, सडनली बीपी बढ़ सकता है, सडनली हार्ट बढ़ सकता है. सो एनी एक्सरसाइज जिसके आप एक्सटर्म्ड नहीं है या एनी एक्सरसाइज जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में है, दे शुड बी स्टार्टेड अंडर सुपरविजन एंड स्टॉप्ड अंडर सुपरविजन. ओके, इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे. फिलहाल हमारी ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से पहले अपने दर्शकों का एक सवाल जरूर सुन ले और उस सवाल का जवाब देंगे ब्रेक के बाद. डॉक्टर साहब, अगर हर्निया एक प्रेग्नेंट लेडी को हो जाए तो उसका कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एक सामान्य लेडी के अकॉर्डिंगली? सवाल इनका बहुत ही अच्छा है. ब्रेक के बाद इनके सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे. ब्रेक से पहले आपको एक बार फिर यह याद दिला दें कि आज हम हर्निया के बारे में बातचीत कर रहे हैं. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर ए कृपलानी और डॉक्टर प्रदीप चौबे मौजूद हैं. आपके सवाल लगातार आ रहे हैं और आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं. ब्रेक से पहले आपको एक बात और याद दिला दें कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, दर्शकों में बैठ के अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेलीफोन करके अपनी रिक्वेस्ट हमारे पास छोड़ सकते हैं. हफ्ते के किसी भी दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे आप 2342-1949 पर फोन करके अपनी रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अपने कार्यक्रम में दर्शकों के साथ बैठकर अपने सवाल पूछने का मौका दें. फिलहाल ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के बाद हर्निया के बारे में अपने बाकी सवाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे. आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. पेट के अंदरूनी हिस्से में असामान्य छेद के कारण होने वाले उभार या सूजन को हर्निया कहते हैं. इसके परिणाम स्वरूप आंख अपनी जगह से खिसक सकती है, जिसके कारण ये उभार दिखाई देता है. हर्निया आमतौर पर पेट और जांग के बीच अथवा नाभि के आसपास या पहले से हुए सर्जिकल जख्म पर विकसित होता है. हाइटल हर्निया एक ऐसा हर्निया है जो मध्य पट या डायफ्राम में खुलता है, जहां ग्रास नली पेट को जोड़ते हुए गुजरती है. वेंट्रल या इंसीजरल हर्निया वो होता है जो पेट के निचले हिस्से के सामने की तह में होता है. हर्निया का सामान्य कारण पेट के निचले हिस्से की दीवार का कमजोर होना है. पेट अथवा पेट और जांग के बीच के हिस्से में ऐसा उभार या सूजन जो लेटने पर दिखना बंद हो जाए हर्निया हो सकता है. कुछ हर्निया जन्म से ही होते हैं, कुछ हर्निया धीरे धीरे एवं अन्य अचानक आ जाते हैं. आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हेल्थी इंडिया. हमारा टोल फ्री नंबर है 1600119662 और हमारा ईमेल एड्रेस है healthyindia@dd.nic.in. हेल्थी इंडिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है. आज हम बातचीत कर रहे हैं हर्निया के बारे में. आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर ए कृपलानी और डॉक्टर प्रदीप चौबे मौजूद हैं. बातचीत चल रही थी हर्निया के बारे में और उसकी प्रिवेंशन के बारे में. ब्रेक से ठीक पहले एक सवाल पूछा हमारे दर्शकों में से और सवाल ये था कि क्या प्रेग्नेंट वेमेन में हर्निया कुछ अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है और क्या कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. इस सवाल का जवाब डॉक्टर चौबे से जानते हैं. प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि मस्कुलेचर को और रिलैक्स करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल कैविटी में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जी. तो मसल के ज्वाइंट मसल को और बोन के ज्वाइंट्स को, जो पेल्विक बोन होती है उस ज्वाइंट्स को लूज करने के लिए वो होते हैं. सो नेचुरली एक ये स्टेज होती है जिसमें कि एब्डोमिन का प्रेशर भी बढ़ रहा है जी. और ऐसे हार्मोन्स भी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं जो मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर्निया होने के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं जी.
और प्रेगनेंसी में जो सबसे कॉमन हर्निया देखा गया है वो है अम्बिलिकल हर्निया जी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आ जाता है और काफी, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा रहने से वो काफी बड़ा हो जाता है जी। इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। हमारे पास एक ईमेल जो ब्रेक के दौरान हमारे पास आई मोहन रंगाचारी जी की, और इन्होंने एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज जानने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि इनके बेटे को माथे के ठीक बीच में एक बल्ज है जिसके बारे में देवर नेवर कंसर्न, बट ही सेज कि एक दफा किसी डॉक्टर ने कहा कि दिस कुड बी अ रेयर काइंड ऑफ हर्निया। क्या इस तरह के हर्नियाज भी होते हैं डॉक्टर साहब, कि माथे के बीच में बल्ज है? ये तो सिर्फ बहुत न्यूनेट्स में होते हैं जिसमें कि जो मसल जो बोन होती है स्कल बोन जी, वो उसका फ्यूजन प्रॉपर नहीं होता, वही एक ऐसा हर्निया जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। और ज्यादातर जो माथे में जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो बोन के प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको ऑस्टियोमास कहते हैं जी। तो ये मेरे ख्याल से क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बहुत जरूरत है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही इसे रूल आउट किया जा सकता है। अच्छा, अब अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। अभी तक हमने जिक्र किया कि हर्नियाज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किसे होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को हर्निया हो गया तो क्या, पहली चीज तो बल्ज उसको दिखाई देगा बाहर। अब अगर बल्ज दिखाई दे रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, इलाज क्या है? देखिए, हर्निया एक बार अगर किसी को सस्पेक्टेड है जी, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके अपना जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म कराना चाहिए, क्योंकि बल्ज के कई कारण हो सकते हैं जी। और हर्निया एक कॉज है रिड्यूसिबल बल्ज का। अगर वो बल्ज खड़े होने पे बाहर आ जाता है और लेटने पे अंदर चला जाता है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज आपको हर्निया है, मगर अपने डॉक्टर से मिलके पहले वो डायग्नोसिस कंफर्म करा। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके बारे में और जानना चाहूँ, आपने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया रिड्यूसिबल, ये रिड्यूसिबल हर्निया और इररिड्यूसिबल हर्निया क्या कुछ अलग अलग किस्म की चीज? देखिए, हर्निया की ये फर्स्ट स्टेज होती है कि वो एक बल्ज बाहर की तरफ आता है, इंटेस्टाइन्स जो है ओमेंटम जो है वो बाहर निकलता है, ज्यादा करके खड़े होने पे, क्योंकि खड़े होने पे जो इंटेस्टाइन्स और ओमेंटम है वो नीचे की तरफ आते हैं और वो बल्ज करने लगते हैं, और आप जब लेटें तो वो अंदर चला जाता है। ये फर्स्ट स्टेज है हर्निया की, जिसे हम रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं जी। अगर आप इस स्टेज को निग्लेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो कंटेंट्स बाहर की तरफ आ रहे हैं उनके अमाउंट बढ़ता चला जाता है, होल जो है वो बड़ा होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा इंटेस्टाइन, ज्यादा से ज्यादा ओमेंटम बाहर आने लगता है, स्वेलिंग बढ़ने लगती है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर आके ये लेटने पे अंदर अपने आप नहीं जाते जी। This is now a complicated hernia. पहले सिंपल हर्निया था, अब ये फर्स्ट स्टेज है कॉम्प्लिकेशन की, जिसे हम कहते हैं इररिड्यूसिबल हर्निया। यानी अब वो रिड्यूस नहीं होता, अपने आप रिड्यूस नहीं होता, लेट जाते हैं तब भी वो बल्ज उसी तरीके से बना रहे। ये एक अलार्म है आपके लिए जी, कि अब आप देर कर चुके हैं, अब आपको इसके इलाज की जल्दी जरूरत है। ओके, कभी कभी अगर आप इसको भी इग्नोर करें या इस स्टेज को आए बिना, हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, जिसमें न सिर्फ बल्ज जो है वो आ जाता है लेकिन ये बल्ज पेनफुल होता है जी। और ये सडनली जो बल्ज है पेनफुल हो जाता है, इसकी साइज बढ़ जाती है, इसे छूने पे बहुत तकलीफ होती है जी। और ये इंडिकेट करता है कि इस समय हमारे जो इंटेस्टाइन्स बाहर आके अटक गई हैं, उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ओके, इसकी ये अर्जेंट स्टेज है। एक बार अगर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गया तो आपको विद इन फ्यू आवर्स, दिन तक 24 घंटे तक बाद जाने की गुंजाइश नहीं होती, विद इन फ्यू आवर्स आप जहां भी हैं, जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, जो भी हॉस्पिटल अवेलेबल है, वहां तुरंत आपको जाके इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। ओके, यानी ये तीन स्टेजेस हमें बड़ी बड़ी समझ में आएगी। रिड्यूसेबल है जब वो लेट जाने पे वापस ठीक हो जाता है, इररिड्यूसेबल जब लेटने पे भी ठीक नहीं होता, और अगर तब भी उसका ख्याल नहीं रखें तो स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, विच कैन बी अ मेडिकल इमरजेंसी, विच इज अ सीरियस सर्जिकल इमरजेंसी। इट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। डॉक्टर अभी ये बताइए कि डॉक्टर कृपाणी ने जिक्र किया कि जब हमारे पास पेशेंट आता है हम डायग्नोज करते हैं हर्निया है या नहीं, डायग्नोज कैसे करते हैं? हर्निया की डायग्नोसिस बहुत आसान होती है जी। क्लिनिकल और जो भी सर्जन है, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो आर ट्रीटिंग दिस केसेस, उनको एक नजर देख के, और जब हम उनसे पेशेंट से इंटर एब्डोमिनल प्रेशर रेस करने के लिए बोलते हैं, जैसे खांसी करने के लिए बोलते हैं जी, या लेग रेस करने के लिए बोलते हैं या हेड रेस करने के लिए बोलते हैं, तो इमीडिएटली वो बल्ज मालूम पड़ जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन इस हर्निया की डायग्नोसिस में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल क्लिनिकल। यहां एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, हमारे पास एक टेलीफोन कॉल भी आया था अंबाला से। अभी तक हम जिक्र कर रहे हैं कि बल्ज हमें या तो टांगों के जोड़ में महसूस होगा, एब्डोमेन पे महसूस होगा, इंसिजनल हर्निया है। उन्होंने जिक्र किया कि टेस्टिकल्स में, क्या ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टिकल्स में हमारे वायसरा डिसेंड कर जाए और हर्निया? इंग्वाइनल हर्नियाज में जैसे अर्ली स्टेज में तो सिर्फ इंग्वाइनल एरिया में जो लेग का, थाई का और एब्डोमेन का जो जॉइंट है वहां पे स्वेलिंग आती है, और धीरे ग्रेजुअली ये स्वेलिंग स्कॉटम में टेस्टिकल की तरफ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया एक इंग्वाइनल कैनाल होती है जिसके थ्रू टेस्टिस आती है, और उसी सेम पाथवे में ये इंग्वाइनल हर्निया होता है, तो नेचुरली वो टेस्टिस की तरफ वो हर्निया जाता है, क्योंकि दैट इज अ वीकेस्ट पोर्शन। ओके,
अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मरीज आपके पास आया, आपने डायग्नोज किया कि इसे हर्निया है, उसकी स्टेज जांची, उसके बाद क्या? उसके बाद में सिर्फ एक इलाज होता है, वो है ऑपरेशन। ये बात मैं आपसे दोबारा जानना चाहूँ, सिर्फ एक इलाज होता है ऑपरेशन। अब अभी तक हमारे पास जितने भी टेलीफोन कॉल आए उसमें लोग सबसे ज्यादा कंसर्न इसी बात को लेके ऑपरेशन ना कराना, क्या बिना ऑपरेशन के हर्निया का इलाज किया जा सकता है? देखिए, हमारे लिए विवेक जी ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसा हम शुरू से ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस है, और किसी भी चीज की वीकनेस को जब तक आप रीइंफोर्स करके किसी चीज से और किसी भी तरीके से अगर उस वॉल को मजबूत नहीं करेंगे जी, जो हर्निया का जो ओपनिंग है, जो छेद जो बन गया जिसके थ्रू इंटेस्टाइन्स आ रही है, उसको अगर आप बंद नहीं करेंगे तो उसका इलाज तो हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी फंक्शनल चीज नहीं है कि जो दवाई दे के उस एरिया में कुछ किया जा सकता। अगर जैसे हमारे कमरे की अगर दीवार टूट गई है जी, तो उसको तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। किस मेथड से रिपेयर करते हैं, क्या तरीके, वो आगे की बात है, बट ऑपरेशन इज ए मस्ट फॉर प्रैक्टिकली ऑल हर्नियाज एक्सेप्ट वेरी रेयर सिचुएशंस। जो पैदाइशी एम्बिलिकल हर्निया होता है, बच्चों में पैदा होते साथ ही एम्बिलिकस का जो हर्निया होता है जी, बहुत कम परसेंटेज में ऐसा होता है कि वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे वो वॉल स्ट्रांग होके वो हर्निया रिपेयर हो। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द हर्नियाज, आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल हर्नियाज विल नीड सर्जिकल ट्रीटमेंट। आपकी बात को मैं एक बार फिर अंडरलाइन करना चाहूंगा, क्योंकि जितनी ईमेल्स हमारे पास पिछले सप्ताह में आई हैं उनमें भी सबसे बड़ा कंसर्न यही है, सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शन हर्निया के लिए है। डॉक्टर चौबे ने अभी हमारे से जिक्र किया कि अगर मरीज को हर्निया है तो सर्जरी इज अ मस्ट, कोई नॉन सर्जिकल मेडिकल या फिर होम्योपैथी आयुर्वेद में किसी तरह का कोई इलाज, किसी चीज का कोई इलाज नहीं है, और सर्जरी ही करनी है जी। और दूसरा यह है कि हर्निया की सर्जरी जितनी जल्दी की जाए उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है, उसके दोबारा होने के चांसेस उतने कम होते हैं, परेशानियां कम होती हैं, पेन कम होता है, मेश की साइज कम यूज होती है। मतलब ये एक तरह से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो ये फटा हुआ कपड़ा है जी। तो फटे हुए कपड़े को आप जितनी जल्दी उसका इलाज करेंगे, जितनी जल्दी उसे रफू कर दिया जाएगा उतना ज्यादा मजबूत तरीके से हो सकता है। अब डॉक्टर कृपलानी, अब इस बात पे आते हैं कि जब सर्जरी की ही जरूरत है तो क्या अलग अलग किस्म की सर्जरीज हर्निया के लिए की जाती हैं या कोई एक ही तरह की सर्जरी? देखिए, सर्जरी हर्निया हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि कई अलग अलग तरह के होते हैं जी, इंग्वाइनल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्ब्लाइकल हर्निया, इंसीजनल हर्निया, और एक हम लोग जो पहले डिस्कस करना भूल गए थे फीमोरल हर्निया, क्योंकि वो बहुत अनकॉमन होता है। एक बार हर्निया हो गया तो जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि न्यूमेटिक टायर में टायर से ट्यूब बल्ज कर रही है जी, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी पुट अ गटर, वी पुट अ पैच। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल सारी आजकल की हर्निया सर्जरी का है कि जहां पे भी जिस भी हिस्से में आपको हर्निया हो गया है वहां पे आप पैच लगा दीजिए। ये पैचेस पहले के जमाने में उतने अच्छे नहीं होते थे, उतने बॉडी टॉलरेट नहीं करती थी और उतने इफेक्टिव नहीं होते थे, पर आजकल इतने अच्छे पैचेस अवेलेबल हो गए हैं। सो किसी भी हर्निया के रिपेयर के लिए द प्रिंसिपल इज कि जो वीक एरिया है जहां पे डिफेक्ट हो गया है आप उस पर एक अच्छा बड़ा सा पैच लगा दीजिए और उसको रीइंफोर्स कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें सिर्फ टांके लगा के उसमें स्ट्रेंथ लाएंगे तो वो टांके फिर से टूटने की गुंजाइश होती है। और ये पैच लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं जी। ये पैच के तरीके लगाना, एक ओपन ऑपरेशन, कन्वेंशनल ऑपरेशन कहना चाहूंगा मैं, जो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से हो रहा है, जिसमें हम लोग उस पूरे एरिया को एक्सपोज करते हैं, जितना एक बड़ा सा स्किन कटती है, फैट कटती है, उसके बाद जो हर्निया का सैक होता है उसको डिसेक्ट करके हर्निया के जो कंटेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन्स उनको अंदर डाल देते हैं जी। और इस पैच को हम इस डिफेक्ट के ऊपर लगा के उसको स्टिचेस से फिक्स कर देते हैं ताकि ये डिफेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए और वो पैच अपनी जगह से ना हिले। ये कन्वेंशनल सर्जरी का प्रिंसिपल है, चाहे वो इंग्वाइनल हर्निया हो, चाहे वो इंसीजनल हर्निया हो, चाहे वो एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो जी। लेकिन पिछले एक दशक से भी कुछ ज्यादा वक्त से एक नई पद्धति आई है इलाज के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी फॉर हर्निया या लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर जी। जिसमें लंबा चौड़ा काटने के बदले हम लोग छोटे छोटे 2, 3 या 4 होल्स बनाते हैं, उससे बड़ा पैच जो हम ओपन ऑपरेशन में लगाते हैं उससे भी बड़ा पैच हम अंदर ले जाके उसको विभिन्न तरीकों से फिक्स कर देते हैं, जो हम या स्टेपल कर सकते हैं या सूचर कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आम ओपन ऑपरेशन के बाद इंग्वाइनल हर्निया में अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटी करने में करीब 3 से 4 हफ्ते लगेंगे बिफोर यू कैन ड्राइव या यू कैन डू एक्सरसाइजेस, लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर के बाद 7 दिन के बाद हम कहते हैं कि आप कार ड्राइव कर सकते हैं, आप अपने एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। और इंसिजनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया में जो मरीज ऑपरेशन के बाद, ओपन ऑपरेशन के बाद करीब
पांच से सात दिन हॉस्पिटल में रहता है और रिकवरी में करीब दो से तीन महीने लग जाते हैं। उसमें लेप्रोस्कोपिक रिपेयर के बाद वो एक दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और विद इन 10 डेज वो पेशेंट अपना नॉर्मल काम करने लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद पेन कम होता है और लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद जो रिकरेंस होने की चांसेस है, हर्निया बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि हर्निया ऐसा बीमारी है जो आप इलाज कराएंगे वो ऑपरेशन कराएंगे फिर से हो जाएगा, इसीलिए बहुत से लोग हर्निया नहीं कराते हैं। लेकिन जब से हम लोगों ने लेप्रोस्कोपी का तरीका शुरू किया है और अब हमारी जो एक्सपर्टाइज लेवल उसमें है, इंग्वाइनल हर्निया के बारे में हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि हमारे हाथ में देयर इज अ 0% रिकरेंस रेट। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम बात है, पेन कम होने के अलावा, रिकवरी के अलावा जो रिकरेंस रेट है वो 0%, क्योंकि हर्निया बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत से हर्निया ऑपरेट होते हैं, इट इज अ कॉमनेस्ट सर्जरी इन मेल्स, अगर उसमें 2% भी रिकरेंस है तो ओवरऑल नंबर ऑफ रिकरेंट हर्नियास बिकम वेरी लार्ज। उसमें अगर आप 2% से 0% अपने रिकरेंस को ले जाएं तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा डॉक्टर चौबे, अब यहां मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये तो डॉक्टर कृपलानी की बात से समझ आ गया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज प्रोबेबली डिसाइडेडली सुपीरियर टू द कन्वेंशनल सर्जरी, लेकिन कितना कॉमनली अवेलेबल है इंडिया में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जो बड़े शहर है उसमें तो है, और डेफिनेटली समय के साथ जो हम लोगों ने देखा है कि पहले काफी कम सर्जन्स इस सर्जरी को करते थे, बट आज जैसा हम लोग देख रहे हैं ये सर्जरी बहुत पॉपुलर होती जा रही है और मेरा ऐसा ख्याल है कि ओवर फ्यू इयर्स हिंदुस्तान के काफी डॉक्टर्स इसको कर रहे होंगे और काफी सेंटर्स में होने लगेगी। ये बात जरूर है कि एक्सपर्टीज डेवलप करने में इस हर्निया सर्जरी में थोड़ा सा समय लगता है और बट ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ये एक बहुत अच्छी बात है जी। और हमारे बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हर्निया के लिए। लेकिन आज की अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो मेट्रोज और बड़े शहरों के अलावा शायद छोटे शहरों में ये कम अवेलेबल है। मैं यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक आदमी एक छोटे शहर में रहता है, उसे हर्निया है, पॉसिबल है वो अपने शहर में ओपन सर्जरी करा ले, उसके लिए ये भी पॉसिबल है कि वो आसपास के किसी शहर में जाके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा ले, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उसे जाके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करानी चाहिए या कन्वेंशनल सर्जरी इज इक्वली गुड, अगर अपने शहर में अवेलेबल है तो वहां वही करा? मेरे ख्याल से जो भी सर्जरी कराना चाहते हैं सेफ सर्जरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जी अंडरलाइनिंग देयर। और आज हर्निया की सर्जरी के लिए चाहे आप ओपन तरीके से कराएं चाहे लैप्रोस्कोपी के तरीके से कराएं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कंफर्ट लेवल का फर्क है बट रिजल्ट्स अगर आप मैश यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट्स दोनों के बहुत अच्छे हैं, चाहे आप कन्वेंशनल सर्जरी कराएं या अवेलेबल नहीं है तो जी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि अगर उसको बिल्कुल बहुत जरूरी है बड़े शहर में जाके लैप्रोस्कोपी कराना, अपने शहर में भी कन्वेंशनल सर्जरी मैश यूज करके करवा सकते हैं और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और टेम्परामेंटली देन नेचुरली तो एक सिंपल सी बात इसमें हम ये कह सकते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज डिसाइडेडली सुपीरियर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वेंशनल सर्जरी कोई अच्छा तरीका नहीं है इलाज करने का। अगर मैश इस्तेमाल की जाती है तो वो भी एक बहुत अच्छा, पर आज के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैश का इस्तेमाल करना जी। अगर आप देखना चाहें जैसे ये मैश का छोटा सा पीस है, ये काफी कुछ अपने जो मॉस्किटो नेट होती है उस टाइप का होता है, हालांकि इसका मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव और ऐसा मटेरियल होता है जो कि बॉडी में जिसको बॉडी एक्सेप्ट करती है जी। पॉलीप्रोपिलिन्स होते हैं, बहुत कई गॉटेक्स होते हैं, कई किस्म के मटेरियल जो होते हैं, यानी जिस हिस्से का मस्कुलेचर अंदर से कट गया है, रप्चर हुआ है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसे अंदर लगा देते हैं, स्टिच कर देते हैं या स्टेपल कर देते हैं, जो भी तरीका यूज करना चाहे, दोनों तरीके या तो स्टेपल कर सकते हैं जी या स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ कन्वेंशनल सर्जरी के लिए एक छोटी सी चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी मस्कुलेचर वीक है, कन्वेंशनल सर्जरी करने से क्या उनके केस में इंसिजनल हर्निया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ नहीं जाती? इज इट नॉट लाइक कन्वेंशनल सर्जरी का सबसे बड़ा ये एक डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि कन्वेंशनल सर्जरी में आप सारे मसल्स को काटते हैं, काटने के बाद में फिर आप मैश लगाते हैं जी, और फिर सारे मसल्स को फिर आप रिपेयर करते हैं, तो नेचुरली जब आप किसी भी टिश्यू को रिपेयर करते हैं जी तो एक इनहेरेंट वीकनेस उसमें डेवलप हो जाती है। लैप्रोस्कोपिक का सर्जरी का ये बहुत जबरदस्त एडवांटेज है जी कि आप कट नहीं करते मसल्स को, आप पंक्चर करते हैं जिसमें मसल स्प्लिट हो जाती है, और जैसे आप अपने पंक्चर करने के जो ट्रोकार्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पंक्चरिंग डिवाइसेस जो होती जी, जैसे आप उनको बाहर निकालते हैं मसल्स अपनी जगह पर वापस चली जाती है। इसका मतलब है कि आपने मसल को काटा नहीं, सर्जिकल डैमेज है वो बहुत ही मिनिमल है इसमें, प्रैक्टिकली दिस इज दैट्स अ मेजर एडवांटेज, इसीलिए इसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहा जाता है। इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे, इस समय हमारे पास धर्मेंद्र जी का टेलीफोन कॉल है और इसके अलावा ब्रेक का वक्त बिल्कुल सर पे है, तो इनका सवाल सुनते हैं और फिर ब्रेक लेंगे। हेलो, मैंने बोला अलीगढ़ से बोल रहा हूं। हां नमस्कार धर्मेंद्र जी। हां जी कहिए। हां मेरा सवाल ये है, किससे बात करवाने हैं आप? मेरी
मैं विवेक शर्मा बोल रहा हूँ, आप अपना सवाल मुझे बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, लैप्रोस्कोपी से अगर हर्निया कराएं तो कितने पोर्ट बनते हैं, कितने एमएम के बनते हैं और रिकरेंस के चांसेस क्या क्या होते हैं? ठीक है धर्मेंद्र जी, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं भी यही जानना चाहता था, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, फिलहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपके इस सवाल का जवाब देंगे। ब्रेक से पहले सभी दर्शकों को एक बार फिर ये याद दिला दें कि आज हम हर्निया के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप टेलीफोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1600119662 पर, या फिर ईमेल भेज सकते हैं healthyindia@dd.nic.in पर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर ए कृपलानी और डॉक्टर प्रदीप चौबे मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो टेलीफोन कीजिए इस छोटे से मेडिकल ब्रेक के फौरन बाद। कुछ हर्निया अत्यधिक खिंचाव एवं अन्य मोटापा, भारी काम या लगातार खांसी के कारण होती हैं। हर्निया वाली जगह पर अत्यधिक दर्द आंतों में जकड़न को दर्शाता है, जिसके लिए तत्काल सर्जरी की जरूरत हो सकती है। अगर हर्निया के कोई लक्षण दिखाई ना दे तो आपको और आपके चिकित्सक को किसी भी तरह के होने वाले बदलाव पर नजर रखनी चाहिए। आराम के लिए बाइंडर या सहारा देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इससे हर्निया का उपचार नहीं होता। हर्निया के उपचार के लिए अधिकतर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होती है। लगभग 5-10% हर्निया दोबारा हो सकती है, ये हर्निया के प्रकार पर निर्भर करता है। हर्निया अपने आप से ठीक नहीं होता, अगर इसका इलाज नहीं करवाया गया तो ये ज्यादा खराब एवं बड़ा हो सकता है। संक्षिप्त रूप में मुख्य रूप से हर्निया को दो तरह से ठीक किया जाता है, एक पारंपरिक तरीके से बड़ा कटाव करके और दूसरा लेप्रोस्कोपिक विधि से, जिसमें सूक्ष्म छेद करके ट्रोकर्स टेलीस्कोप एवं कैमरा के द्वारा किया जाता है। हर्निया को उपचार की जरूरत होती है और उपचार से ही हर्निया ठीक हो सकता है। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हेल्थी इंडिया। हमारा टोल फ्री नंबर है 1600119662 और हमारा ईमेल एड्रेस है healthyindia@dd.nic.in। स्वस्थ भारत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं हर्निया के बारे में, काफी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी बहुत से सवाल बाकी हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर ए कृपलानी और डॉक्टर प्रदीप चौबे मौजूद हैं। इसके अलावा इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मंगल और विनीता भी आ चुके हैं। नमस्कार, आप दोनों का भी स्वागत है, जो कि हमें योग का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। ब्रेक से ठीक पहले हमारे पास एक सवाल आया था, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बड़ी माइन्यूट डिटेल जानना चाहते थे, उस बात को डिस्कस करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले आइए मंगल और विनीता हमें आज क्या दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल से जानते हैं। हम बार बार बातचीत कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। जी, हमारे डिस्कशन में ये भी आया कि लेटे हुए अगर आप पैर को ऊपर ले जा रहे हो वो एब्डोमिन के ऊपर प्रेशर रेज करेगा, या लेटे हुए आप अपने सर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो उसके अंदर में प्रेशर बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज हमें नहीं करनी। तो आज हम ये बताने के बजाय कि कौन से आसन करें, जी हम ये एक दो डिमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन से आसन ना किए जाए, कि ये आसनों से हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जी, वो हम आसन ना करें जी। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी के अंदर में जो एज फार एज हर्निया इज कंसर्न, डोंट ज्यादा है देन डूज जी। होम्योपैथी का इलाज ना कराए, आयुर्वेद का इलाज ना कराएं, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। इलाज ना कराएं जी, उनका इलाज सिर्फ सीमित है कि अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको खांसी है तो खांसी का इलाज करा रहे। जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उन पे वो कुछ असर कर सकते हैं, लेकिन हर्निया हो गया तो उसके बारे में यू कैन ट्राई नेचुरोपैथी, यू कैन ट्राई आयुर्वेद, बट देन यू आर अटैकिंग कॉन्स्टिपेशन नॉट हर्निया डायरेक्टली। जो हर्निया है नहीं कर रहे, हर्निया बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता। आज के जो रिपेयर है वो तो कराना ही पड़ेगा, अगर गाड़ी में पंक्चर है तो पंक्चर लगवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी नहीं चलेगी। तो आज हम आपको जो दो आसन दिखाने जा रहे हैं वो भुजंगासन है, धनुरासन है, जिसमें जो हर्निया के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अंडरलाइंड बात ये है कि ये वो आसन है जो हर्निया के पेशेंट्स को नहीं करना है। आज हम आपको योग आसन में दिखाने जा रहे हैं भुजंगासन और धनुरासन। इन आसनों की स्थिति है पेट के बल लेटकर। तो सबसे पहले पेट के लिए लेट जाइए।
भुजंगासन के लिए दोनों हाथ कंधों के बराबर में और श्वास को अंदर भरते हुए आगे से ऊपर की तरफ उठें। अब इसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस आप सर को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, भुजंगासन प्रेशर बढ़ेगा। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे अपने मुद्रा में। दूसरे आसन के लिए धनुरासन के लिए दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ दें और दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, टखनों को पकड़ते हुए आगे पैर आगे से पीछे से ऊपर की ओर उठाएं। इसमें आप दोनों जी चेस्ट भी ऊपर ले जा रहे हो, सर भी ऊपर ले जा रहे हो, पैर भी ऊपर ले जा रहे हो, ये इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएगा। धनुरासन नहीं करना, धीरे आसन के अलावा कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी। अपने मुद्रा में धनुरासन। मंगल और विनीता आपका धन्यवाद। आप लोगों को एक बार फिर बता दें कि आज हमने जो योगासन यहाँ पे दिखाए हैं वो हर्निया के मरीजों को नहीं करने हैं, यही इसकी खास बात है। और इस तरह के जो भी एक्सरसाइजेज हैं जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी आपके एब्डोमिनल एरिया पे प्रेशर को बढ़ाते हैं उनको अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेक से पहले हमारे पास एक टेलीफोन कॉल आया था धर्मेंद्र जी का अलीगढ़ से, इन्होंने एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था। डॉक्टर चौबे ये बताइए कि जब आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो कितने होल्स किए जाते हैं, कहाँ कहाँ किए जाते हैं? जनरली वो हर्निया के साइड पे डिपेंड करता है और इंग्वाइनल हर्नियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम तीन पंक्चर किए जाते हैं, एक एक सेंटीमीटर का होता है और दो 0.5 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर के होते हैं। सिर्फ तीन पंक्चर किए जाते हैं, दैट्स इट जी। और सारे इंस्ट्रूमेंट्स और मैश इनके थ्रू रोल करके अंदर भेजी जाती है। स्पेशल एक उसके वो रहता है रोलिंग का मेथड होता है जी, जैसे कि छाता होता है, छाते सरी का उसको रोल करके और आप अंदर से उसको रिलीज करें तो वो नेचुरली वो खुल जाता है जी। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, अपने दर्शकों का एक और सवाल लेना चाहेंगे। आई एम सीवी भट्ट, आई वांट टू नो द प्रोस्टेट ग्लैंड इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस हर्निया और वाइस वर्सा। डॉक्टर विक्रप्राणी, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का हर्निया से कोई सीधा सीधा रिश्ता है? दरअसल प्रोस्टेट ग्लैंड का हर्निया से बहुत सीधा रिश्ता है जी, क्योंकि जब एज बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो वो यूरिन के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन करती है। और प्रोस्टेट बढ़ने का सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि मरीज को पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ता है जी, स्ट्रेन करना पड़ता है जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाता है। और बाय दिस एज प्रोस्टेट जनरली एल्डरली लोगों में होता है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स भी जो है वो वीक हो चली होती है, तो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो गया है और हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए प्रोस्टेट और हर्निया काफी बार एक साथ कॉमनली पाई जाती हैं। ओके, और काफी बार उनका एक साथ इलाज भी हो सकता है ताकि दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक साथ ही इलाज करा दें। एक ही दफा सर्जरी की जाए और उससे दोनों ही सर्जरी में दोनों यूरोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन या जनरल सर्जन मिलके दोनों का इलाज करा दें। इसी में एक संदर्भ मैं आपके पुराने सवाल के बारे में कहना चाहूंगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कुछ मामलों में बहुत बेहतर है ओपन सर्जरी से। जैसे प्रोस्टेट के साथ जब हर्निया होते हैं तो वो कॉमनली बायलैटरल होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, तो ऐसे हर्निया जो बायलैटरल है दोनों तरफ है, या ऐसे हर्निया जो रिकरेंट है, एक बार पहले ऑपरेशन हो चुका है और हर्निया फिर से आ चुका है जी, उसमें मरीज को शायद कुछ ज्यादा उद्यम करके बेहतर है कि वो अपना इलाज लेप्रोस्कोपी से कराए कहीं बाहर जाके रात्रि दिन वहीं कराए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि छोटे शहरों में अच्छे सर्जन ओपन हर्निया रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इन मामलों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का डेफिनेट बेनिफिट है as compared to open surgery, जहां bilateral यानी दोनों तरफ हर्निया है और जहां एक दफा recurrence हो चुकी है, एक दफा या दो दफा, हमारे पास ऐसे से भी मरीज आते हैं जो तीन दफा recurrence हो चुका है, लेकिन उस केस में बेहतर यह है कि अब की दफा जो सर्जरी कराई जाए वो laparoscopy से कराई जाए। अब program और bilateral हर्निया में भी क्योंकि ओपन ऑपरेशन होगा तो दोनों तरफ कटेगा जी, दोनों तरफ कट लगेंगे, डबल पेन होगा, रिकवरी का टाइम बढ़ जाएगा। लेप्रोस्कोपिक रिपेयर में आप एक तरफ रिपेयर कर रहे हैं या दोनों तरफ रिपेयर कर रहे हैं, You still need the same three cuts, डॉक्टर चौबे ने बताया, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास अवेलेबल है, तो उन्हीं तीनों कट से आप bilateral में आपका पेन कम हो जाता है और रिकवरी टाइम कम। क्या कोई ऐसे केसेस भी होते हैं जहां लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ना हो सकती हो और कन्वेंशनल सर्जरी ही करनी पड़े? कुछ सिचुएशंस ऐसी बहुत अनकॉमन होती हैं, अगर पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया के लिए या इवन स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए फिट ना हो, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एसेंशियल है कि हमारे या तो हमें पूरा बेहोश किया जाए, जनरल एनेस्थीसिया दी जाए जी, या पेट के नीचे के हिस्से को सुन्न कर दिया जाए। लोकल एनेस्थीसिया में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना मुश्किल होता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता जी, लेकिन मुश्किल हो सकता है, पेशेंट को कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस ज्यादा हो सकती है, सर्जन मे नॉट बी एबल टू डू एन आइडियल जॉब। इसलिए जो मरीज जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, 80 साल 85 साल, बहुत एडवांस हार्ट डिजीज है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं और उनके लिए सेफ्टी इज द फर्स्ट कंडीशन। तो ओपन हर्निया रिपेयर ज्यादा सेफ है, मगर ओपन हर्निया रिपेयर उनमें भी
हमेशा मेश लगा के करना चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम में वक्त हमारे पास बहुत कम बाकी है, लेकिन कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बाकी बच गए हैं, तो छोटे सवाल छोटे जवाब भी आप लोगों से दरखास्त करूंगा। डॉक्टर चौबे, पहली चीज ये बताइए कि बाकी तमाम हर्नियाज में तो हम समझ गए कि बाहर बल जाया और मरीज आपके पास आ गया, हाइटस हर्निया में वो क्यों आएगा आपके पास, कैसे पता चलेगा? हाइटस हर्निया में सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है कि फूड का, खाने का और एसिड का गले में आना, स्पेशली लेटने के बाद में जब खाना पूरा आता है, वैसे केसेस को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, और जिसका सबसे कॉमन कारण होता है हाइटस हर्निया। और बेरियम एग्जामिनेशन से और एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन से इस हाइटस हर्निया के बारे में मालूम किया जा सकता है, और लैप्रोस्कोपी से इस हाइटस हर्निया को रिपेयर किया जा सकता है। तो यानी सीधी सी जो हम सजेशन अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि अगर लेटने पे खाना वापस आता है तो एक बार हाइटस हर्निया को रूल आउट कर लेना बहुत जरूरी है, ऐसा ना समझेंगे ये सिर्फ कोई खाने पीने की ही परेशानी है। अच्छा, अब कुछ और छोटी छोटी सी बातें ये बताएं कि अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो क्या कंपैरिजन है दोनों के बीच? अगर आप इकोनॉमिकल कॉस्ट अगर देखते हैं, जैसे कॉस्ट को जैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने मैन पावर डेज और मैन आवर डेज आपके लॉस हुए कन्वेंशनल सर्जरी में और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, कितनी क्विकली आप काम पे वापस जा सकते हैं, आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है, स्पेशली लेबरर्स के लिए, मैनुअल वर्कर्स के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, रिक्शा पुलर्स के लिए, इंडिया में जो फील्ड में काम करते हैं उनके लिए, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से और जो अगर करेक्ट कैलकुलेशन किया जाए तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी ज्यादा इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि पहली बात तो हॉस्पिटल में स्टे कम होता है और रेस्ट का पीरियड बहुत कम होता है, तो यू नो दे कैन स्टार्ट अर्निंग क्विकली। और कन्वेंशनल सर्जरी अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि लंबा समय हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और लंबे समय तक काम आप नहीं कर सकते, या तो आप छुट्टी लेना पड़ती है जी, तो ऐसे लिए वो ज्यादा महंगी होने लगी। ओवरऑल कॉस्ट देखिए, मैश तो कॉमन फैक्टर हो गया, मैश तो दोनों ओपन सर्जरी में भी मैश लगना चाहिए और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैश लगना चाहिए, तो मैश की कॉस्ट तो कॉमन हो गई। द ओनली स्टे का और प्रोलॉन्ग्ड हॉलीडे लीव का कारण लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इफेक्टिवली इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा डॉक्टर कृपलानी, बिल्कुल एक मिनट हमारे पास बाकी है, चलते चलते सिर्फ एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई ऐसे हर्नियाज भी होते हैं जिनके लिए सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती है? और दूसरी बात, अगर तमाम चीजों के बावजूद किसी हर्निया के पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती तो उसके लिए क्या इलाज है? देखिए, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर नियोनेट्स में अम्बिलिकल हर्निया है जी, तो उसको हम लोग 1.5 साल से 2 साल तक उसका ऑपरेशन सलाह नहीं देते, क्योंकि धीरे धीरे ये जो अम्बिलिकस है ये छोटा होता जाता है, एंड 2 साल के बाद हो सकता है आप पाए कि अम्बिलिकल हर्निया अपने आप ठीक ठीक हो गया जी। प्रेग्नेंट लेडीज में जो हर्निया होता है, खास करके जो अम्बिलिकल हर्निया होता है, क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से मसल्स वीक होती हैं और इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जी। वो भी प्रेगनेंसी के बाद अपने आप डिसअपीयर हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी इलाज कराने की जरूरत नहीं है जी। इन दो को छोड़ के कमोबेश हर हर्निया को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जी। ऑपरेशन ही एकमात्र ऑल्टरनेटिव है इस बीमारी को क्योर करने के लिए। सिर्फ वो मरीज जो मेडिकली बहुत खराब हालत में है, जिनकी डिजीजेस एसोसिएटेड डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, उनको छोड़ के सबको अपने हर्निया का ऑपरेशन कराना जरूरी है। लेकिन जो मरीज बिस्तर पे पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिनमें लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी उनको हॉस्पिटल जाके, क्योंकि थोड़ी सी रिस्क होती है, थोड़ा पेन होता है, अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो पेन की वजह से वो एग्रीवेट हो सकता है जी। उसके अलावा जो टोटली अनफिट है सबको अपना इलाज। हमारे पास एक मधु जी का टेलीफोन कॉल आया था जिन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर कहते हैं कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्या ऐसे केसेस होते हैं? देखिए, मधु जी के बारे में हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि उनकी आइलियोस्टमी हुई है या उनकी टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी हुई, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के 2 अलग-अलग इलाज है जी। लेकिन चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हर्निया अगर एक बार हो गया है तो अगर किसी एक सेंटर में वो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो शी मस्ट ट्राई टू गेट एन ऑल्टरनेटिव ओपिनियन, क्योंकि हर्निया अदरवाइज वक्त के साथ बढ़ता जाएगा और जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका इलाज करना और मुश्किल हो जाएगा। एक बार अगर हर्निया हो गया है तो वो उसका इलाज जरूर करवा ले, मुश्किल जरूर है, उसमें थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप इलाज नहीं कराएंगे और बीमारी बढ़ जाएगी तो 5 साल 10 साल बाद वो रिस्क और बढ़ जाएगी। आपकी बात से मुझे जो सबसे सीधी सीधी बातें समझ में आई, एक बार अपने दर्शकों के लिए जरूर कंक्लूड कर देना चाहूंगा, सबसे ज्यादा लोगों का कंसर्न ये था कि क्या हर्निया के लिए
कोई नॉन सर्जिकल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है? एक सीधी सी बात हमें समझ में आई कि नहीं है, सर्जरी ही एकमात्र पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, अगर आप हर्निया अपने शरीर में कहीं भी पाते हैं तो उसे इग्नोर नहीं कहें, द अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी आप अपनी सर्जरी कराएंगे उतने ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, उतनी कॉम्प्लिकेशन कम होंगी और उतने ही रेकरेंस के चांसेस भी मेरे ख्याल से कम होते जाएंगे। तो इस संदेश के साथ, इस मैसेज के साथ अब वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का और अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करने का, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर ए कृपलानी और डॉक्टर प्रदीप चौबे, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत लेने से पहले आपको बस इतना याद दिला दें कि अगले सप्ताह हम बातचीत करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, अपने सुझाव या शिकायतें अगर आप हमारे पास पहुंचाना चाहें तो उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है हेल्दी इंडिया, रूम नंबर 503, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 110001। अगर आप कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सप्ताह के 5 दिन टेलीफोन कर सकते हैं 2342-1949 पर और अपनी दरखास्त हमारे पास भेज सकते हैं। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है healthyindia@dd.nic.in। हमारे अगले सप्ताह से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं तो आप खत लिखकर या ईमेल पर भेज सकते हैं। चलते चलते आपको बस इतना याद दिला दें कि हमारे इस कार्यक्रम को आप दोबारा भी देख सकते हैं, इसे रीटेलीकास्ट किया जाता है आज रात 8:30 डीडी भारती पर और इसके बाद मंगलवार को आफ्टरनून में 3:00 DD1 पर। अगले सप्ताह प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपके सवाल और अपने पैनलिस्ट के जवाब लेकर एक बार फिर आपके सामने मौजूद होंगे। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।